संसद में केंद्र की मोदी सरकार आज अपने खिलाफ दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का करेगी सामना। आज से 10 अगस्त तक चलने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा राहुल गांधी शुरू करेंगे। आज और कल प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को शाम 4 बजे सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देगी। कांग्रेस की दलील है कि मणिपुर हिंसा पर पीएम को बयान देने के लिए बाध्य करना ही अविश्वास प्रस्ताव का मकसद है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी के लिए 7.25 घंटे और कांग्रेस के लिए 1.25 घंटा समय निर्धारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। इंडिया गठबंधन भी संसद की रणनीति को लेकर सुबह 10 बजे करेगा बैठक। हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज हिंसाग्रस्त नूह का दौरा करेगा। अध्यक्ष चौधरी उदयवान की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित पीड़ितों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेगा। मणिपुर का आदिवासी संगठन इंडिजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की प्रतिनिधि करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात। कुकी समुदाय के मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने सहित 5 मांगों पर बात होगी। मणिपुर हिंसा पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की बनाई है कमेटी। महिलाओं से जुड़ी 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। यूपी में आज सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में ठप रहेगा पठन पाठन। स्कूल की छात्रा ने मोबाइल छीन लिए जाने से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आज से 3 दिवसीय बैठक। 10 अगस्त को बैठक के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में पड़े 131 वोट जबकि विरोध में 102 मत पड़े। आप कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया। सरकार के पेश बिल को बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। आप कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया। शाह ने कहा बिल का उद्देश्य दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने करप्शन को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल पर तीखे हमले किए। लोकतंत्र की दुहाई देने को लेकर कांग्रेस को दिलाई इमरजेंसी की याद। दिल्ली सेवा बिल को संसद से मिली मंजूरी पर दिल्ली सीएम केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया। कहा चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं पीएम मोदी। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पास किए जाने को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के अटल आडवाणी के सपने को उनकी ही पार्टी ने मटियामेट किया। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने भी बिल का समर्थन किया। पूर्व सीजीआई ने कहा कि यह दलील गलत है कि मामला कोर्ट में है तो बिल नहीं आ सकता। दिल्ली सेवा बिल चयन समिति को भेजने संबंधी प्रस्ताव पर उठे सवाल। 4 सांसदों का दावा उनकी मर्जी और जानकारी के बगैर प्रस्ताव भेजने के पत्र पर हुए हस्ताक्षर। राज्यसभा के उपसभापति ने सांसदों की शिकायत को गंभीर बताया। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि नोटिस मिलेगा तब जवाब दिया जाएगा। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को 136 दिनों बाद संसद लौटे। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता बहाल होने की जानकारी दी। यूपीए अध्यक्ष और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ संसद भवन पहुंचे राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। कांग्रेस नेता ने डीएमके के दिवंगत करुणानिधि को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के दोबारा संसद पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने ढोल नगाड़ों और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल की वापसी पर तंज कसा, कहा चलो मनोरंजन वापस आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश ने संसद में राहुल की वापसी को बताया लोकतंत्र की जीत। 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का दोहराया संकल्प। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उठी आवास अलॉटमेंट की मांग। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने की लोकसभा आवास समिति अध्यक्ष से बात। राहुल गांधी 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे पर राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित।
बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा कोर्ट से बड़ी राहत, कठेरिया की सजा पर रोक लगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को अधिकारी से मारपीट मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के सीजेएम कोर्ट में अहम सुनवाई। तेजस्वी के गुजराती समुदाय को ठग कहे जाने के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मणिपुर हिंसा को लेकर सोमवार को संसद में एक बार फिर हुआ हंगामा। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ ही देर स्थगित रही। यूसीसी पर आदिवासियों का विरोध। यूसीसी के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद का ऐलान किया। कहा यूसीसी आदिवासियों के हितों को चोट पहुंचाने वाला कानून। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कहा यूसीसी बिल आदिवासियों की मूल पहचान को भी प्रभावित करेगा। आदिवासी समुदायों के विभिन्न समाजों और धार्मिक सामाजिक परंपराओं से अलग है। बीजेपी नेता समीर ओराव ने कहा आदिवासियों के नाम पर नकारात्मक राजनीति नहीं होगी सफल। पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम की गई। एक आतंकी ढेर देर रात 2 बजे के आसपास आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। देखभाल सेक्टर में अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पर सतर्क जवानों ने आतंकवादियों को देखा जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। घायल घुसपैठिए के लिए तलाश जारी है। पुंछ के जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। राजौरी में भी एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। कल एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया था एक आतंकी। राजौरी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद ऑपरेशन बरियामा लॉन्च किया गया। राजौरी में पिछले 24 घंटे में मारे गए 2 आतंकी। यूपी के कानपुर में एक छात्रा ने प्रेमी के साथ मिलकर रची अपने अपहरण की साजिश। कोचिंग के लिए घर से निकली थी छात्रा, पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया। पीड़ित पिता के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया जिसमें छात्रा के अपहरण की बात कही गई, साथ ही मांगी गई 10 लाख की फिरौती। दिल्ली के सागरपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने किया तांडव। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर 74 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है और उसी कड़ी में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ बीडीसी के मेंबर गुंडा खवास और उससे आसपास के सटे जंगलों में कारण सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हरियाणा के नूह में बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाई। मेवात नूह हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई के तहत चल रहा था बुलडोजर। दंगे में इस्तेमाल हुए 753 कच्चे और पक्के मकान किए गए जमींदोज। नूह में हुई हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। कड़ी सुरक्षा के बीच नूह में सोमवार को सरकारी दफ्तर और बैंक खुले। नूह में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और सभी आने जाने वालों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। गोवा में बनस्त्रिम ब्रिज पर सड़क हादसा, 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सड़क हादसा मर्सिडीज से हुआ, पुलिस को शक है। पुल पर कुछ लोग शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे, जांच में पुलिस जुटी। यूपी के बाराबंकी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथरा, ट्रेन के कई विंडोज के शीशे टूटे हैं, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। गोरखपुर से लखनऊ आने जाने के दौरान वंदे भारत ट्रेन पर 4वीं बार पत्थरबाजी हुई। ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पत्थर चलाने से कोच नंबर C2 की सीट नंबर 3 और 4 के पास वाली खिड़की का शीशा टूट गया। मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 4 साल के बच्चे का अपहरण के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर से 4 साल के मासूम का अपहरण किया गया था। एम्स ऋषिकेश पर्वतीय क्षेत्र में ड्रोन के जरिए दवा भेजने का सफल प्रयोग होने के बाद से कोटद्वार के लिए ब्लड और ब्लड कंपोनेंट लेकर भेजा गया। कोटद्वार आते हुए रास्ते में कोहरा होने के कारण ड्रोन को रास्ते में उतारना पड़ा। बेस चिकित्सालय से टेक्निकल टीम को मौके पर भेजा गया। कोटद्वार की कलाल घाटी पर पेड़ से ड्रोन को उतारने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया।
उत्तराखंड के टिहरी में उफान पर नाला, कुलमाणा में दो बच्चों समेत 14 पर्यटक फंसे, जेसीबी की मदद से किया गया रेस्क्यू। एकाएक बांदल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते पर्यटक फंसे, पर्यटकों को जेसीबी मशीन के बकेट में बैठाकर नदी पार कराई गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार, चेतावनी रेखा के 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। खतरे के निशान 294 मीटर के पास पहुंचा गंगा का पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ने पर तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ा, ऋषिकेश में चेतावनी रेखा से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 10 जिलों में भारी बारिश के आसार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, वैशाली में भारी बारिश की संभावना। कल राजधानी पटना समेत राज्य के 35 जिलों में बारिश हुई, नालंदा के हरनौत में 99 मिलीमीटर बारिश, बारिश के चलते बिहार के तापमान में आई गिरावट। उधर बिहार के अरवल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया दुख। सिंगापुर में चीनी मूल के शख्स को भारतीय मूल की महिला के साथ बदसलूकी के मामले में 3 महीने की जेल, साल 2021 में 32 साल के चीनी शख्स ने 57 साल की भारतीय महिला पर हमला किया था। अमेरिका के एरिजोना में अपने पति को कॉफी में ब्लीच डालकर देने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, अटेम्प्ट टू मर्डर और खाने पीने की चीज में जहर मिलाने की दोषी करार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना में आज तीसरा T20 मैच, 5 मैचों की सीरीज में भारत के लिए आज करो या मरो की स्थिति। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज की जीत के हीरो रहे निकोलस पूरन पर ICC की कार्रवाई, मैच के दौरान अंपायर के बहस करने को लेकर काटी गई 15% मैच फीस। पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूर्व धुरंधर बल्लेबाज इंजमाम उल हक को बनाया चीफ सिलेक्टर, वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम को चुनने की जिम्मेदारी इंजमाम को सौंपी गई। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बनाई जगह, अपने तीसरे मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के कप्तान उमर भट्टा ने इंडियन टीम को बेहतर बताया, दोनों टीमों की भिड़ंत 9 अगस्त को होगी।